आधे अधूरे जंगल में उधर हमने आठवां ताल भी ढूंढ लिया, वो छोटा था आठवां ताल। शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। सुबह पूछे रात शाम में क्या हसी, शाम तो हम लोग सात ताल पहुंच गए हैं। यहाँ पे सात ताल का पूरा वो है, वहाँ यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो इसमें सेल्फ बोटिंग का है कि अकेले जाओ या पार्टनर के साथ, एक यहाँ पे सिर्फ खुद ही चलाना पड़ता है, यहाँ पे हमारे साथ नहीं आते कोई भी। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है, काफ़ी डाउन साइड में मतलब हिल में काफ़ी डाउन साइड प्लेस है, तो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा ठंड सा भी है, थोड़ा गर्मी भी है, इट्स ओके राइट। जाहिर करे वो जाहिर नहीं, आके हूं मैं आसिम नहीं। जाहिर करे वो जाहिर नहीं, आके हूं मैं। हमने ऑर्डर किया था चाउमीन, वो आ चुकी है। सब इस मील को एंजॉय करते हैं, एंड देन मिलते हैं। अब टाइम लैप्स देखो, हम कैसे एंजॉय कर लेते हैं। चौमिन खा के हमने खत्म कर दिया, बट पेट भरा नहीं, इसलिए अभी एक और प्लेट मैगी मंगाई है। अब उसे भी एक दो प्लेट मैगी मंगाई है, अब उसे भी खाएंगे, एंड देन आपको थर्ड लोकेशन दिखाएंगे। मंदिर की चढ़ता चढ़ता हालत खराब हो गई, पर यहाँ से व्यू बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। आपको व्यू दिखाता हूँ। वो उन्होंने कौन सा ताल गा था, वो भीम ताल है उस साइड पूरा वाला। बादलों से आ चुके हैं बढ़िया से। यहाँ पे चप्पल जूते उतारते हैं, तो उसके बाद मंदिर की तरफ जाएंगे, एंड मंदिर भी दिखाऊंगा और कैमरा लाउड हुआ हाथ धोएंगे, जूते उतार, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, हर जगह ठंडा है। ऐसा माना जाता है यहाँ पे घंटी लटकाने से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ लटकी हुई है। जो भी आते हैं यहाँ पे घंटी लटकाता है, हम नहीं लटकाएंगे, हम मंदिर देखने आए थे। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है, ये देख घंटी कैसे बज रही है, मंदिर के अंदर जाते हैं, देखते हैं अंदर का, मिलते हैं माता रानी से। इसका बेस खत्म हो गया लगता है, बजा बजा के बजा बजा के बेस खत्म कर दिया। आपको मंदिर दिखा,
माता जी के दर्शन हो गए। अब जस्ट थोड़ी देर यहाँ पे थोड़े नज़ारे देख के फिर हम लोग बोटिंग करने जाएंगे। यमा लास्ट पॉइंट है ना? नहीं, टी पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग टी पॉइंट जाएंगे एंड देन लास्ट में हम लोग बोटिंग करेंगे, उसके बाद बैक टू दिल्ली। सो अब हम टी पॉइंट पे मिलते हैं। इधर का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठंड भी है, बट हम तो हाफ बाजू में आए हैं, थोड़ा ठंड सहन करना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा व्यू है, अच्छा मंदिर है, काफ़ी शांति तो नहीं है, घंटी बजाते हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है माता रानी का। और चलो यहाँ से चलते हैं और टी पॉइंट पे मिलते हैं। ₹40 टिकट है पर हेड, और टिकट ले लिया। अब हम गार्डन के अंदर चले गए हैं और मास्क लगाना ज़रूरी है इधर, तो अनिवार्य है। तो कुछ ऐसा टी का बगान है इधर, ये पूरे चाय है इधर साइड, चाय पत्ती बहुत बड़ा चाय का बगान है यहाँ पे। शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं, शाम सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी। तो अभी हम एक पॉइंट पे रुक गए हैं, यहाँ पे थोड़ा पेप्सी पियेंगे, थोड़ा चिल मारेंगे। इधर मौसम काफी बहुत सुहाना हो रखा है, बहुत मजेदार। देख तो अभी थोड़ा पेप्सी चिल करते हैं और सीधा लेक पे मिलते हैं। सो अभी हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं, ये नैनीताल का आपको व्यू दिखाते हैं। पानी की तरह पानी तो काफी ठंडा है रे। आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं तो मजा। मतलब ये पानी जमता नहीं है क्या? ये जमता नहीं है ना? ये तो गहरी बहुत है, दूसरा हवा चलती रहती है। हमारा बोट राइडिंग खत्म हो चुका है, अब हम लोग उधर पहुंच गए अपने बोट के लिए। काफी मजा आया यहाँ पे, मजा तो आया लेकिन बहुत जल्दी खत्म, लेकिन खत्म जल्दी हो गया लेकिन मजा बहुत आया। तो एक घंटे अगर पता है कौन सा सीन है, खुद का चला उबड़े है ना, तो सोलो राइडिंग, बड़ा नाव चलानी नहीं आती तो क्या कर सकते। तो अच्छा लगा, बहुत सही थी ये मोड हुआ था। अभी हम दोनों जाएंगे सोलो में करने में, तो मज़ा आया। अब यहाँ से चलेंगे, सामान ले लिया है, अब बस स्टॉप में जाएंगे और फिर अपना वापस बैक टू दिल्ली। भाई साहब बोट क्या मस्त लिपी लिपी हो रहा है यार। तो राइडिंग बहुत awesome। प्लान चेंज हो गया, हम लोग अब अपनी पर्सनल बोट पे जा रहे हैं, बिकॉज वो बहुत छोटी राइड थी तो हमने कहा एक घंटा आराम से चिल आउट करेंगे। तो अब मस्त पैडल वाली बोट पे सफर करेंगे। हालत खराब तो अब हम एक घंटा फुल चिल मारेंगे इधर, है ना? चलो रे।